नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर में। दोस्तों आज हम मॉड्यूलर फर्नीचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी कि शटर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मॉड्यूलर फर्नीचर बनने के बाद में जो आपको फ्रंट में नजर आता है, जो आपको फ्रंट फेस जिसकी फिनिशिंग नजर आती है उसको शटर्स बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस किचन के अंदर जो ये फ्रंट में लगा हुआ है, जो इसकी आपको क्लोजअप वीडियो दिख रहा होगा, ये शटर है। इसी तरह से दोस्तों ये जो वार्डरोब बन रही है, यहाँ पर जो आपको वार्डरोब के फ्रंट में दिख रहा है यानी कि जो पल्ला दिख रहा है उसको हम शटर बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि मार्केट में किस किस तरह के शटर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या खास बातें हैं, उनकी प्राइस रेंज क्या है और हमें किस तरह के फर्नीचर में क्या चीज काम में लेनी चाहिए। दोस्तों पहले तरह का जो हम शटर डिस्कस करेंगे वो है लैमिनेटेड शटर। दोस्तों लेमिनेटेड शटर जो है ये ज़्यादातर बेडरूम फर्नीचर में या फिर आपका जो लिविंग रूम फर्नीचर है वहाँ काम आता है। इस शटर को आप देख रहे होंगे तो इसमें वन साइड तो कलर होता है, दूसरी साइड में वाइट होता है। दोस्तों ये दोनों साइड में अपन इसको जो है वो कलर भी बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस रहती है। इसको दोस्तों आप प्लाईवुड, MDF, HDF और सभी तरह के पार्टिकल बोर्ड, इन सब के ऊपर आप लेमिनेटेड शटर को तैयार करवा सकते हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक और ड्यूरेबल शटर है। इसकी प्राइस रेंज लगभग 270 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 375 रुपये स्क्वायर फीट तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको पार्टिकल पे बनवा रहे हैं, MDF पे बनवा रहे हैं, HDF पे बनवा रहे हैं या प्लाईवुड पे बनवा रहे हैं। दोस्तों दूसरे तरह का जो शटर होता है वो भी लैमिनेट शटर है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि ग्लॉस फिनिश में है। ये दोस्तों ज़्यादातर जो है फर्नीचर में भी काम आता है और कई जगह किचन में भी काम आता है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ग्लॉस वाली होती है, चमक वाली होती है, तो उसका सफाई करना आसान होता है। इसके अंदर भी दोस्तों वन साइड वाइट हो सकता है, दूसरे साइड कलर लैमिनेट हो सकता है और एज बैंड इसमें भी चारों साइड आती है। दोस्तों इसकी जो प्राइस रेंज है ये SF वाले फिनिशेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसकी प्राइस रेंज लगभग 300 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेकर के 400 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक वेरी करती है। दोस्तों जो तीसरे तरह का शटर है वो होता है हाई ग्लॉस प्रीमियम ग्लॉस शटर। ये जो होता है दोस्तों ग्लॉस शटर से थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉस होता है। ये जो दोस्तों जनरली जो है वो किचन के अंदर ज़्यादा यूज़ में आता है। इसके अंदर भी फ्रंट जो है आपका कलर्ड आएगा और बैक साइड आपका वाइट आएगा। आप चाहें तो दोनों साइड भी कलर करा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है। और इसके अंदर भी दोस्तों चारों तरफ एज बैंड आती है। दोस्तों इसकी जो प्राइस रेंज है वो 375 स्क्वायर फीट से लेकर के 475 स्क्वायर फीट तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसके अंदर इसको किस मटेरियल पे बनवा रहे हैं, MDF पे बनवा रहे हैं, HDF पे बनवा रहे हैं या प्लाईवुड पे बनवा रहे हैं। दोस्तों जो चौथे तरह का जो हमारा शटर है उसको हम एक्रेलिक शटर बोलते हैं। दोस्तों एक्रेलिक जो है नॉन टॉक्सिक रिफ्लेक्टिव हाईली रिफ्लेक्टिव प्रोडक्ट है। इसमें जो है दोस्तों मिरर लाइक फिनिशिंग आती है और बहुत स्मूथ कैबिनेट बनता है। दोस्तों इसके अंदर भी जो है पीछे की साइड में बैक में वाइट होता है और फ्रंट में आपका कलर्ड होता है। दोस्तों अभी तक हमने जो चारों तरह के शटर देखे इनमें मल्टीपल चॉइस ऑफ कलर्स अवेलेबल होता है, यानी कि आपको वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी जो प्राइस रेंज की अगर अपन बात करें तो लगभग 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेकर के 750 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक जाता है। इसकी प्राइस रेंज वाइड है क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल क्वालिटी का एक्रेलिक सप्लाई करती है। दोस्तों जो पांचवे तरह का शटर है वो मेम्ब्रेन शटर होता है। मेम्ब्रेन शटर की खास बात ये दोस्तों इसके अंदर एज बैंड नहीं होता है बल्कि ये फोल्ड हो जाता है, यानी कि आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर एज बैंडिंग टेप अलग से नहीं लगाई गई है बल्कि जो मेम्ब्रेन है वही उसको बैंड कर दिया गया है। दोस्तों इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ आती है। इसके अंदर जो एक खास बात है वो ये है कि इसको प्लाईवुड के ऊपर बनाने से बेहतर ये है कि इसको MDF के ऊपर बनाया जाए, तब जाके इसकी फिनिशिंग जो है वो बेटर बैठती है। अगर आपको प्लाईवुड बेस्ड मटेरियल काम में लेना है तो भी कंपनीज क्या करती है कि इसके ऊपर पहले कंपनीज के ऊपर क्या करती है कि प्लाईवुड के ऊपर MDF लगा के फिर इसको लगाती है, ताकि क्या है इसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर बैठ जाए। दोस्तों इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये जो है 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेकर के 580 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक इसकी प्राइस रेंज आती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस मटेरियल बनवा रहे हैं और इसको ग्लॉस फिनिश में ले रहे हैं या मैट फिनिश में ले रहे हैं। दोस्तों जो अगला प्रकार है शटर का वो होता है यूवी शटर। जो यूवी शटर होता है दोस्तों ये जो है एक थिन पेंट करा जाता है पहले और उसके ऊपर फिर यूवी प्रोटेक्शन कवर कर चढ़ाया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों जो यूवी प्रोटेक्शन है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। इसके अंदर क्या पहले पेंट हो गया, उसके बाद में यूवी प्रोटेक्शन से इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया।
दोस्तों ये वाला जो शटर है ये आप इंटीरियर स्पेसेस और किचन में काम में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं तो कंपेयर टू लेमिनेट शटर ड्यूरेबिलिटी इसकी कम होती है, तो आप अगर इसी तरह का फिनिश चाहते हैं तो आप जो है लेमिनेट में जा सकते हैं। दोस्तों इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो लगभग 500 रुपीज़ स्क्वायर फीट से 600 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक जाती है। दोस्तों जो अगला शटर हम बात करेंगे ये हॉट ग्लो शटर है, ये कुछ कंपनीज अभी बना रही हैं। बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये इम्पोर्टेड बोर्ड है जिसके अंदर वन साइड ग्लॉस लेमिनेटेड होता है, वन साइड ग्लॉस फिनिश होती है और दूसरी साइड मैट फिनिश होती है, बाकी कलर सेम होता है। दोस्तों इसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आता है, बहुत बेटर आता है। इसका जो बेस मटेरियल जनरली दोस्तों वो MDF या SDF ही होता है, इसके अंदर कहीं पे भी प्लाईवुड का काम नहीं होता है। दोस्तों इसका रिकमेंडेशन ये रहेगा दोस्तों कि अगर आप किचन में काम में ले रहे हैं और अगर वार्डरोब से काम में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी आपके लिए। और दोस्तों प्राइस रेंज की अगर अपन बात करें तो इसकी प्राइस रेंज लगभग 600 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेकर के 800 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक जाएगी। दोस्तों जो अगला शटर है वो सॉफ्ट टच शटर है, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और ऐसी फिनिशिंग है जैसे मखमल होता है, मतलब इसके अंदर सॉफ्ट टच है। इसको अपन सुपर मैट फिनिश भी बोलते हैं, मतलब मैट को सुपरली लेके गए, मैट को और ज़्यादा अपन प्रीमियम पे लेके गए तो सुपर मैट फिनिश इसके अंदर बोला जाता है। ये भी दोस्तों जनरली जो है MDF एक्सटीरियर ग्रेड MDF या SDF के ऊपर बनाया जाता है, और इसकी प्राइस रेंज दोस्तों बात करें तो लगभग 750 to 850 रुपीज़ स्क्वायर फीट के आसपास आती है। इसको दोस्तों आप जो है फर्नीचर में भी काम में ले सकते हैं मॉड्यूलर, और मॉड्यूलर किचन में भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट टाइप का शटर और सबसे प्रीमियम शटर मार्केट में जो है वो ग्लास शटर है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, लेकर्ड ग्लास यानी कि बैक पेंटेड ग्लास को प्लाईवुड या किसी मटेरियल के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है और एजमेंट कर दिया जाता है, इसको अपन ग्लास शटर बोलते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बैक पेंटेड ग्लास है जिसको एक मटेरियल के ऊपर पेस्ट कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर इसको बाद में टफन कर दिया जाता है ताकि इसको ब्रेक होने पर आपको कोई हार्म नहीं हो, आपको कभी लगे नहीं। और इसका जो है दोस्तों क्योंकि ग्लास जैसी फिनिश देता है तो किचन के अंदर बहुत सुपर लग्जरी और सुपर प्रीमियम लुक इसका आता है। दोस्तों जिस हिसाब से इसका लुक है उस हिसाब से इसकी कॉस्ट है, ये सबसे प्रीमियम मटेरियल है और इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो लगभग 1300 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 1500-1600 रुपये स्क्वायर फीट तक आती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस मटेरियल में बना रहे हैं और किस क्वालिटी का लेकर ग्लास काम में ले रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि किचन के अंदर और मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर अपन कितने सारे वैरायटी की फिनिशेस काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये जो है आमतौर पर नॉर्मल अपन फर्नीचर बनाने में अवेलेबल नहीं होती है, ये सिर्फ फैक्ट्री मेड फिनिशेस होती हैं जो फैक्ट्री में तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि हम एक 250-275 रुपये स्क्वायर फीट के नॉर्मल शटर से लेकर के 1600 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक के ग्लास शटर तक हम मटेरियल काम में ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आपका जो बजट है वो वेरी करेगा फर्नीचर का, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप अपना फर्नीचर करवा पाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी शटर्स की लगभग जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी शटर के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों आज का जो वीडियो है पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।